ऐसे घर को बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आके बैठ जाओ यार। बारिश होगी तो वहाँ बैठ जाओ, में बैठा यार। भंडारा कोई ना कोई करते रहते हैं। गाइस तो मैं पहुंच चुका हूं अभी ऋषिकेश गंगा आरती देखने के लिए, और अब मैं दिखाता हूं कि गंगा आरती कैसी होती है, क्योंकि मैं भी खुद पहली बार देख रहा हूं। अरे अहिया जी देखा था अभी, आ जाओ अभी ऊपर गाइस। फाइनली मैं आ गया हूँ मसूरी से डायरेक्ट ऋषिकेश में आपको यहाँ की गंगा आरती दिखाने के लिए, और आप सामने देख सकते हैं कि पूरा हर जगह भीड़ है लोग यहाँ पर। मुझे आइडिया था कि शायद 6 बजे से आरती होती, बट 6:45 जो अपडेटेड टाइम है इस टाइम पे, कि 6:45 पे यहाँ पर गंगा आरती होती शाम को। और इस टाइम पर मैं हूँ त्रिवेणी घाट पर, तो अगर आप आना चाहें कभी ऋषिकेश आप ट्रैवल करते हैं तो 6:45 आरती का टाइम है, नोट कर लीजिएगा 6:45। बाकी उससे पहले आप आ जाएँ तो बेटर ये रहता है कि जब आप आएँ तो आपको घूमने का फिरने का और नहाने का गंगा स्नान करने का काफ़ी टाइम मिल जाता है। वैसे तो आप आरती की बात भी कर सकते हैं, बट फिलहाल ये है कि मैं बैठा हूँ और आगे की आपको जो लाइन दिखाई दे रही है सामने, तो सारी पेड लाइन है, जिसमें आपको अगर आप पूजा कराना चाह रहे हैं कुछ भी बेसिकली आप पूजा पाठ कराना चाह रहे हैं तो पंडित जी को पैसे वहाँ सामने देख सकते हैं, तो वो थोड़ा पेड लाइन है जहाँ पर एक तरीके से जहाँ पर बेसिकली एक VIP ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। तो बाकी हम जो बैठे हैं पीछे यहाँ पर, हम फ्री वाले हैं सारे के सारे, तो टी शर्ट के नीचे बैठ सकते हैं आप बाहर बैठ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मैं अभी तक अपनी लाइफ में पहली बार ऋषिकेश की गंगा आरती देख रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आगे देखते हैं कि कैसा मज़ा आता है आरती में और कैसा फील होता है। Oh,
श्री भगवती रंगा
Yeah.
तो हाय गाइस, चलो तो बनाए बांजा प्यार वाले खेले चाल सो हाय गाइस, मुझे बहुत चलन हो रही है, लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं हमें। सो गाइस, फाइनली हमने आरती कर ली मसूरी से, मैं ऋषिकेश आ गया हूँ, आरती देख ली और बहुत बढ़िया एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने फर्स्ट टाइम आरती अटेंड करी यहाँ पर आज, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो कि मैं ऋषिकेश में इतने बड़े से घूम रहा हूँ आके शाम को। बट इतना बढ़िया, इतना औसम और इतनी अच्छी जगह है, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अपने 6:45 के आसपास आरती स्टार्ट हो जाती है, तो आप यहाँ पर आके इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। और वाकई में जब आरती स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम एक जो मतलब जिसे बोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आरती पंडित जी से सारे पंडित भाई। अभी तक का ऋषिकेश का सबसे बढ़िया ब्लॉग है मेरा ये, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सामने देख सकते हैं जय माँ गंगे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऋषिकेश आया हूँ गंगा आरती देखने के लिए, और मेरा बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब जब आरती स्टार्ट हुई तो रॉन्ग से खड़े हो जाते हैं उस टाइम ना, जब आप देखते हैं इतने कम से कम 400-500 लोगों को आप देखते हैं एक आरती करते समय और चिल्लाते समय जय माँ गंगे जय माँ गंगे, तो अलग एक्सपीरियंस है। तो फिलहाल अब मैं आपको मिलूँगा अपने नए ब्लॉग में, आई एम श्योर कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और मिलूँगा नई जगह नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और